अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं ईशाज कुकिंग। आज मैं बहुत जबरदस्त से मजेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल के जो है वो टैकोस बनाने जा रही है। बेसिकली मैक्सिकन वो है, फूड है, और मैं इसे अपने अंदाज में बनाऊंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, बहुत मजेदार है, बहुत फास्ट बनेंगे। अच्छा, मैंने जो पहले टैकोस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो मैंने घर में उसकी जो है वो ब्रेड बना के, तो मैंने उसको घर में बनाया था। अगर आपको वो वाली रेसिपी देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी जो है वो रेसिपी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, ऑलरेडी है मेरे चैनल पर। और आज मैं जो बनाने जा रही रेस्टोरेंट स्टाइल की, वो इस तरीके से टैकोस होते हैं बने बनाए, ठीक है। उसमें थोड़ी मेहनत होती है, इसमें इतनी मेहनत नहीं होती, बस आपने इसको निकालना है और बनाना है। अच्छा, ये इस तरीके से बॉक्स में आते हैं, ये देखें, इस तरीके से इसका एक बॉक्स होता है, उसमें ये टैकोस बने बनाए आते हैं। और इसके साथ हम जो सॉसेस यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये तकरीबन है 250 ग्राम है इसका जो नेट वेट है, 250 ग्राम है। अब मैं आपको चीजें बता देती हूँ। देखिये, मैंने आलू लिए है 3, उसको मैंने उबाल के मैश कर लिया है। एक टमाटर है, एक आधी हाफ जो है वो कैप्सिकम येलो वाली है, और ग्रीन चिली है इसको चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च हरी वाली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। हाफ जो है वो अनियन है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ देखिए मेरे पास स्पाइसेस हैं। हाफ चम्मच मैंने छोटा वाला पेपरिका लिया है, हाफ चुटकी हल्दी है, चुटकी काली मिर्च है, और यानी नमक है वो हस्बे जरूरत है। और यहाँ मैंने जो है सॉसेस लिए हैं जो मुझे इसके साथ रखना है, केचप है, मस्टर्ड सॉस है, और घर में ये चटनी मैंने बनाई थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो स्पाइसेस है वो इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर देती हूँ। बाकी जो वेजेस है उनको हम थोड़ा सा ऑयल में वो कर देंगे, सॉटे कर देंगे, ताकि उसका टेस्ट अच्छा आए। फास्ट बनाएंगे, मजेदार सी बनाएंगे, बहुत इजी वे में। आप इसमें चिकन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चिकन कंटिन्यूसली मैं घर में यूज कर रही हूँ, पका रही हूँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट चाह रहे थे बच्चे, तो मैंने फिर इसमें पोटैटो ले लिया है। पहले भी मैंने पोटैटो का ही बनाया था, आप बीफ ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो आपको ले सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको चूल्हे की तरफ लेके जाऊं। ये देखिए, ऑयल मैंने ले लिया है, ये हाफ कप है, ये मैं ऑयल ले लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अनियन डाल देती हूँ, अनियन सोटे करूंगी, तो फिर इसके साथ बाकी भी मैं चीजें डालूंगी। देखिएगा, बहुत फास्ट बनता है, बहुत मजेदार बनता है। हमें इसे सारी वेजेस को पूरा नहीं पकाना, बस इसके अंदर क्रंच आना चाहिए। शिमला मिर्च डाल देती हूँ हाफ, ग्रीन चिली डाल देती हूँ, शिमला मिर्च येलो वाली, और इसे हम पकाते हैं। पॉइंट पे मैं इसके अंदर लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप लहसुन एक जगह जो है वो चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल रही हूँ, तो हमने पकाना नहीं है पूरा, बस जैसा हमने इसको छोटे करना है, वेजिस का क्रंच पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो डाल देती हूँ, ताकि वेजिस का जो फीकापन है वो खत्म हो जाए। हाफ चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और हाफ चम्मच ही मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। अच्छा, जो सॉल्ट है वो ऑप्शनल है, आप इसके अंदर पहले चेक कीजिएगा कि इसमें जो पोटैटो में हमने सॉल्ट डाला है वो आप टेस्ट करके चेक करेंगे कम है या ज़्यादा, उसके हिसाब से फिर आपने इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि स्पाइसिस कम्प्लीटली आप पर है कि आप लोगों को कम खाना है या ज़्यादा खाना है, क्योंकि हमारे यहाँ कम खाते हैं तो इसलिए बहुत कम यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों की खाना स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप अपने हिसाब से स्पाइसेस यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पोटैटो।
पोटैटोस इसके अंदर भूनने का मकसद ये है कि इसके अंदर अच्छा टेस्ट आए, बहुत बेहतरीन टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार आएगा इसका, क्योंकि इसके अंदर जो पोटैटो को पकाने का जो 2-3 मिनट हम इसको पकाएंगे तो इसके अंदर क्या है सारे मसालों का टेस्ट, वेजिस का टेस्ट सब आलू के अंदर आ जाएगा और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा आलू का, और जो मसाले हमने ऐड किए हैं आलू के अंदर उसका भी कच्चापन खत्म हो जाएगा। देखिए सारी वेजिस जैसे खड़ी खड़ी हैं और आलू को भी हमने इसके अंदर 3-4 मिनट पका लिया है, वेजिस को इसके अंदर डाल दी बॉल के अंदर। मेरी वो वाली रेसिपी भी बहुत अच्छी है, मैंने टैकोस की रेसिपी आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की है, अगर उसमें मैंने लीफ इसके अंदर लगाए थे सलाद पत्ता, अगर आपको सलाद पत्ता पसंद है तो लगाइएगा, अदरवाइज मैंने स्किप किया है क्योंकि ऑलरेडी मेरी एक रेसिपी मौजूद है जिसमें मैंने सलाद के पत्ते लगा के बनाया था क्रंच पन लाने के लिए। तो अब मैं इसे ठंडा करती हूँ, ठंडा करने के बाद हम इसको फिल करेंगे, चूल्हा करते हैं बंद, स्पून की मदद से हम इसके अंदर अपना फिलिंग डालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाह, बहुत जबरदस्त मैंने इसके अंदर फिल कर दिए है, इजीली हो गया, बहुत जबरदस्त ये देखे। अब मैं इसके अंदर इसको रखती जाऊंगी और मैं इसके अंदर और फिल करती जाऊंगी। हम इसके अंदर शीट से उठा उठा के इसके अंदर रखते जाएंगे इस तरह। बस हमने इसको ज्यादा भरना नहीं है ताकि ये इजीली पकते जाए और हमें इसे जो है वो बैक में आसानी हो। मैं इस चूल्हे पे लेकर आती हूँ क्योंकि ये जो चूल्हा है ये बहुत जो है इसकी हीट जो है वो बहुत स्लो है, फ्लेम कम है, तो मेरे पास एक ही जो फ्लेम है वो इतना हाई है, तो मैं इसके अंदर चीजें पकाती हूँ, मुझे कैमरा दूर पड़ता है। मजेदार से इसका कलर आया है, इसके क्रंच पन देखें, इसकी फीलिंग देखें, अंदर से गुई है और बाहर से क्रंच है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें इतना टेस्टी है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको ट्राई किया, इसके सॉसेस मैंने डाली हैं साथ में, मस्टर्ड सॉस है, मैंने घर में चिली सॉस बनाई थी यानी चटनी है, बहुत मजेदार है। इसको अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो थम्स अप दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपीज बहुत पसंद आती होंगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नई और यूनिक रेसिपीज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।